लोकसभा चुनाव 2024 के सरगर्मी के बीच बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदल गया है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। लालू तेजस्वी की पार्टी राजद ने विकासशील इंसान पार्टी को अपने कोटे की 3 लोकसभा सीटें दी हैं। राजद अब 26 के बदले 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वीआईपी को गोपालगंज, मोतिहारी और झांझरपुर सीट राजद कोटे से दी गई है। शुक्रवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की, साथ ही आगे विधानसभा चुनाव में भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, उनकी पार्टी ने अपने 26 सीटों के कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें दी हैं। ये सीटें गोपालगंज, झांझरपुर और मोतिहारी है। तेजस्वी ने आगे कहा, मुझे खुशी है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन के सभी सहयोगी हमारे गठबंधन में उनका स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी ने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महागठबंधन में मुकेश का हम स्वागत करते हैं। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानता रहा हूं। गरीब और पिछड़े समाज में जन्म लिया और अपने संघर्ष के बदौलत यहां तक पहुंचा। हमारे समाज में आज भी हजारों समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा। आज महागठबंधन का साथ मिला, इससे हमें नई ताकत मिलेगी। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं, संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। बता दें, सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी ने मुकेश सहनी को एडजस्ट किया है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर आए मुकेश सहनी ने दावा किया था कि हर हाल में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर और खगड़िया में निषाद समाज के मतदाताओं की प्रभावी संख्या है, इसलिए मुकेश सहनी इन दोनों लोकसभा सीटों की मांग कर रहे थे। निषाद बहुल मुजफ्फरपुर से अजय निषाद 2 बार और उनके पिता कैप्टन जय नारायण निषाद कई बार सांसद रहे हैं।